बांग्लादेश में अहंकार आया, पीसी में इंडिया को डराया, रोहित ने ऐसे मजाक बनाया। आज दिन था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि पहला जो मुकाबला खेला जाएगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का, जो कि चेन्नई में है, जहां पर दोनों टीमें असेंबल होकर अपनी अपनी तैयारियां कर रही थी, और आज दिन था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बांग्लादेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बांग्लादेश के कोच साहब चंदिका जी, और उनका पूरा नाम तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बांग्लादेश के हेड कोच चंदिका जी ने कुछ ऐसी बातें बोली जिसे देखकर आपको लगेगा कि यार बांग्लादेश की टीम पहले से ही बैकफुट पर है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, किस्सा इन द सेंस कि जब बांग्लादेश के कोच साहब से ये पूछा गया कि आप पाकिस्तान को पाकिस्तान में 2-0 हरा कर आ रहे हो तो उससे आपको क्या कॉन्फिडेंस मिला, तो उन्होंने बोला बिल्कुल टीम में कॉन्फिडेंस है, और एक जिसे बोलते हैं ना कि वहाँ पे जो चीज़ें हम लैक कर रहे थे वहाँ से मतलब वापस लौटना और टीम को जीत मिलना, एक तरीके से आप ये बोलते हो कि यार टीम में जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे भी करने की कोशिश करेंगे, और इंडिया जैसी साइड को खेलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक ऑनर की बात है, और हमें ये पता लगेगा कि हम वर्ल्ड क्रिकेट में कहाँ पर स्टैंड करते हैं, क्योंकि WTC टेबल में भी जो बांग्लादेश की चीज़ें हैं वो एक तरीके से खुल गई हैं 2-0 से पाकिस्तान को हराने के बाद, क्योंकि यहाँ पे रेस जो है वो WTC फाइनल की, हालांकि बांग्लादेश के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे पहुँचने के, लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला है पाकिस्तान को हराकर, इतनी बड़ी प्लेइंग नेशन, क्रिकेटिंग नेशन को हराकर, कि जहां पर आप ये बोलते हैं कि पाकिस्तान को घर में हराना बांग्लादेश के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन वहां पर बांग्लादेश ने 2-0 से पाकिस्तान को हराया, ना सिर्फ हराया, ह्यूमिलेट किया पाकिस्तान को, बड़े बड़े मार्जिन से दोनों मैच में हार का सामना करना पड़ा अगेंस्ट बांग्लादेश, और बांग्लादेश ने इतिहास भी रचा, इससे पहले टेस्ट में पाकिस्तान को कभी भी बांग्लादेश नहीं हरा पाई थी, यहाँ पे एक मैच नहीं, दो मैच बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराए, लेकिन यहाँ पर चीज़ें डिफरेंट होंगी, यहाँ पर चीज़ें, रोहित शर्मा से भी पूछा गया कि बांग्लादेश वाले तो ऐसे ऐसे बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि बोलने दो यार, उनका काम है, हम प्रदर्शन से जवाब देंगे, हम बोल के जवाब नहीं देंगे, और हर किसी को भाई इंडिया को हराना है, बांग्लादेश ने बोला कि यार हम इंडिया को हराने आए हैं, तो वो रोहित शर्मा ने ये भी बोला हर कोई यही चाहता है यार, हर टीम चाहती है इंडिया जैसी कंट्री को हराना, तो बिल्कुल इंडिया स्टैंड ही वहाँ करता है कि यार हर कोई चाहता है कि भाई इंडिया को टेस्ट मैचेस में हराया जाए, क्योंकि घर में इंडिया को हराना भाई आसान नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स नाउ को तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।